हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तानिया और आज मैं आपको एक नई फ्रेगनेंस का रिव्यू दूंगी जिसका नाम है लेस सबलेस रोजेज बाय ल्यू विटॉन। सी, अच्छा, इसकी बॉटल की हम बात करते हैं तो ये ग्लास बॉटल है इसकी, ये देखिए। और इसकी ऊपर आपकी देखिए कि इन्होंने अपनी स्टैम्प दी हुई है कैप के ऊपर, लुई विटॉन LV। अच्छा, इसका जो कैप है वो मैग्नेट सिस्टम में है, ये देखिए मैग्नेट। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये 2019 में जो है वो लॉन्च की गई थी ये फ्रेगनेंस। अच्छा गाइस, इसकी जो है वो ब्लैक कलेक्शन जो में स्मेल जो है फ्रेगनेंस वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रादर दैन इसकी नॉर्मल कलेक्शन में, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसको जब ख़रीदा और इसको स्मेल किया तो फ्रेंड्स वाओ, मुझे इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ज़्यादा नेचुरली और बहुत हाई क्वालिटी की फ्रेगनेंस लगी है इसकी। और इसके मैं नोट्स आपको बताती हूँ, इसमें जो है वो एम्बर ग्रीस है, सेफ्रॉन है, रोसेस है, वुड है, ब्लैक पेपर है, फ्रेश स्पाइसी है और फ्लोरल है। इसके नोट्स हैं ये बेसिकली इसके अंदर। तो अच्छा, मैं इसको स्मेल करके आपको बताती हूँ ओपन करके। देखिए, मैंने अपने हैंड पे इसको स्प्रे किया है। वाओ फ्रेंड्स, जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो इसमें जो सबसे पहले आपको फीलिंग आती है वो आती है बेसिकली ऊद की आती है, रोज़ेस की आती है आपको इसमें, और स्पाइसी वर्म स्पाइसी की फ्रेगनेंस आती है इसमें, और फ्लोरल की फ्रेगनेंस है इसमें। और सबसे पहले जो मुझे इसमें फीलिंग आ रही ही है वो आ रही है ऊद और रोज़ेस की, ऊद और रोसेस का कॉम्बिनेशन की मुझे बेसिकली इसमें सबसे पहले जो फ्रेगनेंस जो इसको महसूस हो रही है इसकी खुशबू। अच्छा, इसके बारे में ये बताऊँ मैं आपको, ये बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग इसकी जो है वो फ्रेगनेंस है, तेज़ है। और लास्टिंग सिटी की अगर हम बात करें तो ये 8 to 10 hours आपकी बॉडी पे ये आराम से स्टे करता है, बट इसके बारे में ये है कि ये जो है 4 hours के बाद, ऑलमोस्ट 5 hours के बाद इसकी फ्रेगनेंस थोड़ी नीचे आने लगती है, आपको थोड़ी सी स्लो हो जाएगी कि इसकी फ्रेगनेंस। और ये यूनिसेक्स है, ये वुमेन और मैन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको इसको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे जो है वो नाइट टाइम में यूज़ करें इस फ्रेगनेंस को, क्योंकि बेसिकली ये ऊद है तो ये डे टाइम में और ऑफिस गोइंग लोगों के लिए ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे ऑफिसेस या में लगा के जाएंगे तो मे बी आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो इरीटेड हों, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी फ्रेगनेंस है। और इसके बारे में जो है मैं और बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत लग्जरी और गॉर्जियस जो है वो इस फ्रेगनेंस है। अच्छा, इसकी फ्रेगनेंस का मैं आपको, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लोग जब ये कोई भी परफ्यूम जब हम अप्लाई करते हैं तो वो बहुत जल्दी उसकी फ्रेगनेंस उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। गाइस, उसका रीज़न ये होता है कि हमारे पास से जब स्मेल आ रही होती है, मतलब यानी कि बदबू आ रही होती है, तो हमें लगता है कि हम परफ्यूम लगा लेंगे तो वो बदबू हमारी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप हमेशा परफ्यूम को वॉश करके, शावर लेके एंड देन आप उसके ऊपर अपनी बॉडी पे कोई भी उसी जो आप जिस ब्रांड का परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं उसी ब्रांड का आप लोशन या कोई भी उसकी बॉडी क्रीम से अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करें। और अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई सा भी जो है वो लोशन अपनी बॉडी पे इस्तेमाल करें एंड देन यू अप्लाई, आप कोई सा भी खुशबू लगाएं और फिर आप जो है उसको देखें तो आपके पास से वो बहुत देर तक उसकी स्टे रहेगा, उसकी फ्रेगनेंस आपके पास से बहुत देर तक खुशबू आएगी आपकी, ज़रूर ये बात मेरी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके बारे में अगर आप मुझसे पूछें कि ये मैं इसकी जो है वो क्या इसको रिकमेंड करूँगी, मतलब तो इसके लिए मैं ये कहूँगी, अगर आप लोगों को इसके बारे में जो मैं आपको कहूँगी वो ये कि अगर आप लोगों को ऊद और रोसेस की फ्रेगनेंस पसंद है और अगर आपको जो है वो ओरिएंटल फ्रेगनेंस पसंद है, बहुत ज़्यादा फ्लोरल फ्रेगनेंस पसंद है, तो डेफिनेटली यू ट्राई इट। बहुत खूबसूरत इसकी खुशबू है और बहुत ही प्यारी इन्होंने, और इसकी बॉटल आप देखिए कितनी खूबसूरत इसकी खाली बॉटल ही है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा।
इसकी प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो ये 49,000 येन का मैंने लिया था, और ये 100 ml है, और मैंने लुआई वेटॉन शॉप से लिया है ये परफ्यूम। गाइस मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।